अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 301 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के थर्ड लेसन को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है कैरियर एंड स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी। कैरियर और स्पेशलाइजेशन को देखते हैं। इसके अंदर वो बात कर रहा है कि साइकोलॉजी की एक ख़ास ब्रांच में महारत हासिल करना और इसमें आगे फर्दर इसमें काम करना, इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिस तरह हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स का इलाज किया जाता है, डायग्नोज कर किया जाता है पहले, फिर उसके मुताबिक बीमारी के मुताबिक लोगों का इलाज किया जाता है जिनको जहनी बीमारियाँ होती हैं। काउंसलिंग के अंदर कह रहा है कि जिन लोगों को कम दर्जे या लो लेवल की बीमारी हो, इनका इलाज काउंसलिंग के जरिए किया जाता है, और ऐसे लोगों जो दूसरों काउंसलिंग करते हैं दूसरों की, उनको काउंसलर्स कहा जाता है। इसमें सोसाइटी के मसाइल, स्कूल लाइफ, सोशल लाइफ हो गई, ऑफिस लाइफ हो गई, घरेलू ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए बंदे को एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सोशल साइकोलॉजी, इसमें लोगों की और माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है, लोगों एक माशरे के अंदर एक चेंज लाने की कोशिश की जाती है, एक पॉजिटिव चेंज लोगों की लाइफ के अंदर इंडिविजुअली भी और एज ए सोसाइटी भी, उनको बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ उनको लेके जाया जाता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह वो अपनी मौजूदा कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में कह रहा है कि बीमारियां, लोगों में दिमागी बीमारियां, मसलन टेंशन, एनजाइटी और स्ट्रेस वगैरह की वजह से फ़िज़िकल बीमारियां पैदा होती हैं। जिस तरह आप अक्सर सुनते हैं कि फलां बंदे का टेंशन की वजह से हार्ट फेल हो गया या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, इस तरह के मामलों में साइकोलॉजिस्ट बंदे को स्ट्रेस कम करने की, बंदे की स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी किस्म की फिज़िकल बीमारी का सबब ना बने। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसमें ब्रेन और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि किस तरह ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से इंसान को मुतासिर करते हैं और ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में क्या ताल्लुक है। आगे आ जाएँ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें इंसान की ग्रोथ के साथ साथ इसके बिहेवियर में होने वाली तब्दीलियों को स्टडी किया जाता है, बंदे में होने वाली इमोशनल चेंजेस को देखा जाता है, मुख्तलिफ लाइफ के स्टेजेस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ओल्ड एज में बिहेवियर की स्टडी की जाती है। आगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, इसके अंदर देखा जाता है कि इंसान किस तरह चीज़ों को परसीव करता है, यानी किस तरह समझता है उन्हें, किस तरह याद रखता है, सोचता है, किस तरह बात करता है, अपने मसाइल को किस तरह हल करता है, यानी कि ये टोटली इंसान की शऊर के साथ, इंसान की सोच के साथ रिलेट करती है कि इंसान चीज़ों को किस तरह परसीव करता है। परसीव का लफ्ज़ यानी कि सोचना चीज़ों के बारे में, प्रोसेस अपने माइंड के अंदर, इंसान के माइंड के अंदर चीज़ों को लेकर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको परसेप्शन कहते हैं हम। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ परसेप्शन ही है कि इंसान किस तरह चीज़ों को समझता है और फिर उसके मुताबिक वो रिएक्ट करता है। इस सारी चीज़ों, इन सब तमाम चीज़ों की स्टडी को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में का इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है, एम्प्लॉयज़ पर किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की फटीक को, स्ट्रेस को किस तरह कम कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंदर कह रहा है कि इंसान की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, यहाँ पे कह रहे हैं इंसान जो यूनिक होते हैं, एक तरह के माहौल में दो इंसान मुख्तलिफ तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो यूनिक होते हैं। इंसान की यूनिकनेस को, उसकी सेपरेट होने को पढ़ना कि किस तरह एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है और किस तरह चीज़ों के बारे में वो रिएक्ट करता है, यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी को पढ़ना, उसको मुताबिक, पर्सनैलिटी के मुताबिक इंसान को आगे लेके चलना, इसको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये सारी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कहलाता है चीज़ें। अच्छा, आगे आगे फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है कोर्ट्स में, लॉज और क्रिमिनल जस्टिस के अंदर, जो लोग, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता उनको बताना कि किस तरह वो इंसाफ ले सकते हैं, यानी कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा होता है वो मुजरिम नहीं होते, उनको बचने का या वहाँ से निकलने का या अपने आप को पॉजिटिव, अच्छा साबित करने का तरीका, यानी उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जेल्स के अंदर जाकर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको अच्छे इंसान बनने की तरगीब देते हैं, उनके को जहन साजी उनकी इस तरह की करते हैं कि वो अपने जो पुराने, जो माजी के नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो जेल में गए होते हैं, उनको छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। मतलब ये यहाँ तक साइकोलॉजिस्ट जो है काम करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह हम प्लेयर्स को फिट कर सकते हैं, इनकी फ़िटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनके मेंटल स्टेट, इनकी मेंटल स्टेट को किस तरह हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, लेके जा सकते हैं। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो
परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर हो जाएगी। 2000 में जो ओलंपिक्स हुई थी उसके अंदर 20 से ज़्यादा जो है ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अमेरिकन एथलीट्स और कोचेस को गाइडेंस प्रोवाइड की थी। लेसन हो गया व्यूअर्स कंप्लीट आपका, जल्दी मिलते हैं अपने फोर्थ लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।